का दिल कुशा खुश नबा खुश अदा जुमला महबूबियां, अनगिनत खूबियाँ मेरी कासिर जुबां, वो कहां, मैं कहां, जनाब इसरार हैदर मेमन सरकार की बारगाह में नजरान यकीदत पेश कर रहे थे हैदराबाद शहर की मुमताज मरूफ शख्सियत जनाब अब्दुल हसीब भाई को टोपी और अजरक का तोहफा जो सिंध की रिवायत है कि हम अपने आने वाले मोज मेहमानों की खदमत में ये चादर जो गैरत और इज्जत का निशान समझी जाती है जो हमेशा इज्जत का निशान है जिसमें मुख्तलफ मोहब्बतों और चाहतों के रंग हैं, ये हमेशा हम अपने आने वाले मोज मेहमान की खिदमत में ये चादर पेश किया करते हैं टोपी और अजरक पीर अलहाज गुलशन इलाही फरीदी दामद मलालिया, अपनी जानब से प्रेस क्लब हैदराबाद की जानब से ये तोहफा अपने आने वाले के ख़दमत में पेश कर रहे हैं गुजारिश कि आप पेश करते रहें ये वक्त भी हमारे लिए कीमती है कि हम इस दौरान अपने सना खानों को भी समाप्त करते रहें आप वहाँ अपनी कार्रवाई जारी रखें तो ज्यादा मुनासिब होगा यकीन हमारे लिए हर एक मेहमान काबिल एहतराम है काबिल कदर है आज की इस महफिल में हमारे मौज़ मेहमान की खदमत में ये टोपी और अजरक का आ, ये तोहा किबला अल हाज गुलशन लाही कादरी चिश्ती फरीदी दामद बरकातम लालिया अपनी जानब से फारूक भाई जॉइंट जोनल इंचार्ज मुतमी मूमेंट पाकिस्तान हैदराबाद की खदमत में ये तोहफा पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद शरीफ अंसारी साहब को ये तोहफ़ा पेश किया गया हमारे कर्नल साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और सिटी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं लियात भाई मौजूद हैं और हमारे प्रेस क्लब हैदराबाद के मज़ज़ मेहमानों में मेज़बानों में जनाब राशिद शफ़ी साहब हमीदुररहमान साहब अब्दुलरहमान राजपूत साहब मोहम्मद हुसैन ख़ान साहब जनाब शाहिद अली साहब और एडमिनिस्ट्रेटर जनाब फ़ाकिर शाकिर साहब आज की इस मोजिज़ और मोहतरम शख्सियात में शामिल हैं मैं इन तमाम शख्सियात को खुश आमदीद कहते हुए और मैं देख रहा हूँ कि हमारे हैदराबाद के एक और मुमताज़ और मोहतरम शख्सियत मेरे मुशफ़ व मेहरबान क्यों मोहम्मद हाकिम साबिक नाजिम आज की इस महफ़िल में मुझे नज़र आ रहे हैं मैं उन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ और दयालदास क्लब हैदराबाद की मैनेजमेंट के सदर मोहतरम जनाब आजी निसार मेमन साहब भी यहाँ से मुझे नजर आ रहे हैं मैं उन्हें भी इस महफ़िल में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ और हमेशा वो इस महफ़िल के हवाले से ताउन किया करते हैं मैं उनका शुक्रगुजार गुज़ार हूँ और मैं सना खां से गुजारिश करूँगा कि सना ख़ान तशीफ ले आएँ पीर अलहाज गुलशन लही साहब पीर नारहान पीर जी ये कार्रवाई कर रहे हैं सना खां से दरखास्त है शाहिद मकबूल साहब तशीफ ले आए और मैनेजर औकाब मोहम्मद नसीम साहब की खदमत में भी ये तोहफा पेश किया जा रहा है हाजी निसार मेहमान साहब को ये तोहफा पेश किया गया क्यों हाकिम साहब को क्यों हाकिम साहब को यहाँ से भी क्यों मिल रहा है और वहाँ से भी क्यों क्यों हाकिम साहब हमारे बहुत प्यारे इंसान हैं बहुत मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं आज की इस महफिल में यहाँ मौजूद हैं मैं इनकी आमद पर ख़ुश आमदीद कहता हूँ जफर भाई थोड़ा सा वक्त को ज़ाया किए बग़ैर क्योंकि उवैस कादरी साहब अपने दिए गए वक्त के मुताबिक तशीफ़ ले आएंगे अलहाज हाफिज़ गुलाम मुस्तफा कादरी साहब और जनाब हाफिज़ अलहाज अदनान कादरी साहब ने भी आना है ये तमाम शन को मैंने एक वक्त दिया था हम बहुत देर हो चुकी हमें इस महफिल के आगाज में लिहाजा मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वक्त को मलहूज खातिर रखते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और मैं गुजारिश करूंगा मैनेजमेंट से भी कि वो थोड़ा सा ताउन करें और सनाखानों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे कहने की जरूरत न पेश आए तीन शेर नात के पेश करें और आप ने उन तीन शेर में इनकी हौसला अफजाई करनी है आपसे कोई काम नहीं है सिवाय अल्लाह के और अल्लाह इतनी बुलंद होनी चाहिए कि नाथ खां का हौसला बढ़ जाए और नाथ खां को पता चल जाए कि मैं उस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान नात पेश कर रहा हूँ ये हमारे शहर के चुनीदा नाथ खान हैं जिन्हें हमने इस प्रोग्राम में शामिल किया है मैं शनाखात से गुजारिश करूँगा भाई से पहले गुजारिश करूंगा कि वो आ, मुझे क्यों दें ताकि मैं इस सना खां को आपकी समातों के लिए पेश करूं जी मैं गुजारिश करूंगा मुमताज मारूफ सना खां जनाब मोहम्मद शाहिद मकबूल से बदीफ लाए और हरियाना फरमाए दिलों से मिटाता है